92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आज सहर कार्यक्रम में फिर आपके पास आ गया हूँ, आपका अपना अनूप जलोटा। और आप तो जानते ही हैं कि हम हमेशा कोई ना कोई भजन सुनाकर आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और उसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि संगीत के साथ में अगर सारी बातें हों तो एक आनंद बिल्कुल अलग होता है। तो लीजिए सुनिए ये भजन। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मुझ पर जीवन भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह शाम रहे, तेरी यादों में आठों याम रहे, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ये भजन आपने सुना और मुझे भी इसके शब्द बहुत ही प्रिय हैं। तो इसके बाद सुनिए आज का पंचांग। आज है 4 मई यानी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, दिन सोमवार और नक्षत्र है स्वाति। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं सहर कार्यक्रम में अनूप जलोटा आज आपको एक ऐसा भजन सुना रहा हूँ जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने जीवन में आदत बनाने पर मजबूर कर देंगी कि क्यों ना इन चीजों को हम अपने जीवन में उतार लें और हमारा जीवन पहले से अधिक सुंदर हो जाए। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, असत की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से सारे जहां के सब दुखों का एक ही निदान है, या तो वो ज्ञान है या तो वो अभिमान है। नफरतों के जहर से हमें प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से जीवन को यदि कोई चीज बर्बाद करती है तो वो अज्ञानता है। जीवन में एक आदत बना लीजिए कि किसी प्रकार की भी अज्ञानता आपके पास ना रहे। रोज एक नया ज्ञान प्राप्त करिए, रोज किसी नई चीज को जानने की कोशिश करिए, रोज कोशिश करिए कि आपके मुकुट में एक और पंख लग जाए। वो तभी होगा जब आप अपने को इस ओर अग्रसर करेंगे, इस ओर मार्ग में डालेंगे कि चलो आज कोई नई चीज सीखते हैं। अगर ये आदत बन गई तो जरा सोचिए जीवन भर आप कितना कुछ सीख सकेंगे, जीवन हमारा कितना सुंदर हो जाएगा। तो आपने
ये बात सुनी। अब इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे स्थान की ओर जो बहुत ही हमारे भारत में प्रसिद्ध है, और वो है शोलापुर का विट्ठल मंदिर। जी हाँ, विट्ठल, हम लोग विट्ठल कृष्ण को भी कहते हैं, और यहाँ इसकी कहानी आपको मैं बताऊंगा कि शोलापुर का जो विट्ठल मंदिर है उसके पीछे कथा क्या है। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप चलोटा के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप चलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा शहर कार्यक्रम में आपके पास आ गया हूँ। विट्ठल मंदिर जो शोलापुर महाराष्ट्र में है, और बहुत ही इसकी महत्ता है, लोग बहुत जाते हैं वहाँ दर्शन करते हैं, तो इसकी जो कहानी है वो मैं आपको सुनाता हूँ। शोलापुर में जानुदेव और सत्यवती नाम के पति पत्नी सुख से रहते थे। उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम था पुंडलिक। उन्होंने बच्चे को बड़ा किया, बच्चे की शादी की, लेकिन शादी के बाद वही पुंडलिक अपने माँ बाप से बहुत दुर्व्यवहार करने लगा, उनको बहुत तंग करने लगा, बहुत परेशान करने लगा। इस परेशानी से माता पिता इतने तंग आ गए कि उन्होंने सोचा कि चलो हम काशी चले जाते हैं, वहीं रहेंगे और छुटकारा मिल जाएगा अपने पुत्र से। लेकिन पुंडलिक के मन में तो कुछ और था। उसने सोचा कि अगर ये लोग काशी चले गए तो हमारे आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे कि इन्होंने इतना तंग किया अपने माँ बाप को कि माँ बाप चले गए छोड़कर। इसलिए उसने ये कहा कि मैं खुद ही आपको लेके चलता हूँ और काशी छोड़ के आता हूँ। तो पुंडलिक उनको ले चला काशी, रास्ते में भी बहुत तंग किया, खुद तो घोड़े पे बैठा और अपने माँ बाप को पैदल चलने को बोला। रास्ते में एक ऋषि का आश्रम पड़ा तो सोचा कि वहां थोड़ा विश्राम कर ले। वहां विश्राम के लिए बैठे, लेकिन रात को पुंडलिक को नींद नहीं आई, माँ बाप तो सो गए, और पुंडलिक ने क्या देखा कि कुछ कन्याएं आई, बहुत सुंदर कन्याएं, लेकिन उन कन्याओं के कपड़े गंदे थे। आई, उन्होंने आके पूजा की, और पूजा करके जब वो वापस निकली तो उनके कपड़े बहुत साफ सुथरे हो गए थे। पुंडलिक को ये बात समझ में नहीं आई, सारी रात वो यही सोचता रहा। उसने फिर दूसरे दिन देखा तो फिर यही हुआ कि रात को कन्याएं आई, आके पूजा की, और जो गंदे कपड़े पहने थे वो साफ हो गए और बाहर आ गई। ये देखकर पुंडलिक को बहुत ही जिज्ञासा हुई जानने की कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने एक कन्या को रोक लिया और उससे पूछा कि आप लोग कौन हैं। उस कन्या ने बताया कि हम सब नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। लोग हमारे पास आते हैं, स्नान करते हैं, अपने पाप धो लेते हैं, लेकिन हमारे कपड़े तो गंदे हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पूजा करने आते हैं और हम फिर साफ होके फिर वापस चले जाते हैं। पुंडलिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस कन्या से कहा कि मुझे भी अवसर दीजिए, मैं भी स्नान कर लूं। उस कन्या ने कहा, नहीं, तुम्हारे पाप इतने ज्यादा हैं, इतने कठोर हैं, इतने गंदे हैं, इतने मैले हैं कि तुम्हें किसी भी नदी में स्नान करके चैन नहीं मिलेगी, तुम्हारे पाप हम नहीं धो सकते। जब ये सुना, पुंडलिक सोचने लगा कि कैसे उसने अपने माँ बाप को तंग किया, कितना परेशान किया, और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। और जब हृदय परिवर्तन हो जाता है तो आत्मज्ञान हो जाता है इंसान को, और वही हुआ, पुंडलिक को आत्मज्ञान हुआ, और उसने उस दिन से अपने माँ बाप की अखंड सेवा शुरू कर दी। उसकी सेवा देखकर भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं उसके दरवाजे पर आ गए। लेकिन पुंडलिक भगवान विष्णु का स्वागत करने के लिए नहीं उठा, क्योंकि वो उस वक्त अपने पिता को भोजन करा रहा था। भगवान विष्णु भी दरवाजे पर खड़े रहे, ये दृश्य देखते रहे कि मैं आया हूं लेकिन पुंडलिक नहीं उठ रहा, वो तो अपने पिता की सेवा में लगा है। जब सेवा पूरी हुई, पिता को खाना खिला दिया, माता को खाना खिला दिया, भगवान विष्णु से क्षमा मांगी, मुझे क्षमा करें लेकिन मैं क्या करूं, माता पिता की सेवा में लगा था, उनको खाना खिला रहा था। विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि पुंडलिक, मैं तुम्हारी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, कोई भी वरदान मांग लो। पुंडलिक मुस्कुरा के बोला कि वरदान ही देना है तो ये दीजिए कि आप वापस ही ना जाइए, और यहां हमारे संसार में जो कष्ट हैं, जो लोगों को दुख हैं, उन सबको यहां रह के ही दूर करिए। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा ही होगा, और जो विट्ठल मंदिर आप देखेंगे कि वहां विष्णु भगवान एक ईंट पर खड़े हैं। एक ईंट पर खड़े का मतलब है कि हर वक्त लोगों का दुख दूर करने के लिए खड़े हैं वहां, इसीलिए उनको वहां स्वयंभू भी कहा जाता है। तो आपको जब भी अवसर हो तो अवश्य विट्ठल मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें, और अपने सारे पापों का प्रायश्चित भी करें,
जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं भगवान विष्णु आपको क्षमा कर देंगे। तो वापस लौटूंगा और एक बहुत अच्छी गायिका से आपकी मैं मुलाकात आज कराऊंगा। ये है विधि शर्मा जो बहुत अच्छा गाती हैं। फिल्म पान सिंह तोमर में इन्होंने गीत गाया था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। सुनिएगा थोड़ी देर में विधि की आवाज को और मिलिएगा विधि शर्मा से। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप चलोटा के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप चलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा आपके सामने आ गया हूँ फिर से और अब आपको मिलाऊंगा एक बहुत अच्छी आवाज से। दिल्ली में रहती हैं, आपका नाम है विधि शर्मा। इनके परिवार में सबको संगीत का बहुत प्रेम है। ये सारी बातें तो हम उनसे ही सुनेंगे क्योंकि मैंने विधि को और उनकी सिस्टर्स को साथ में गाते सुना है। बहुत ही सुलझी हुई गायिका, समझ बूझ के गाती है। हेलो, क्या हाल चाल है विधि? मैं अनूप बोल रहा हूँ। नमस्कार। बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बस मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आज मेरा बहुत मन था कि शहर कार्यक्रम में आपको प्रस्तुत किया जाए। मेरा बहुत बहुत सौभाग्य। तो सबसे पहले तो हम लोग जानना चाहेंगे कि आपके अंदर ये संगीत का प्रेम कैसे आ गया। मेरा संगीत का प्रेम मुझे विरासत में मेरे पिताजी से मिला जो खुद बहुत अच्छा गाते हैं और मेरे दादाजी भी बहुत अच्छा गाते थे और उन्हीं से ही मुझे ये आवाज थोड़ी सी मिली और उसके बाद पिताजी ने इंट्रोड्यूस किया म्यूजिक में और फिर मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग ली और बाकी शास्त्रीय संगीत मैंने 6 साल विशारद किया गंधर्व महाविद्यालय से। आपके गाने से ही पता लगता है और मुझे मालूम है कि पान सिंह तोमर फिल्म में आपने एक गाना गाया था और वो गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ था जी। तो आज हमारे श्रोताओं को आप क्या सुना रही है, एक भजन तो सुना दीजिए। मैं एक ऐसा भजन सुनाऊंगी जो मैंने अभी बिल्कुल रिकॉर्ड करा है तो उसी की कुछ लाइनें मैं सुनाती हूँ। अज होना निक से प्राण कठोर, अज होना निक से प्राण कठोर, दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मो अज होना निक से प्राण कठोर, अज होना निक से। बहुत खुशी हुई लेकिन हम आप बार बार इसमें बुलाने वाले हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं। जरूर जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगा। का बहुत बहुत थैंक्स 92.7 बिग एफएम की पूरी टीम को, बहुत थैंक्स और मुझे दोबारा आके बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा, आपको फिर बुलाएंगे और घर में सबको मेरी नमस्कार बोलिएगा। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो अभी आपने सुना विधि शर्मा को क्या अच्छा गाती है, तो अब मैं आपको एक भजन सुनाऊंगा और उसके अंदर क्या सुंदर संदेश है उसको उजागर करते हैं, उसको समझते हैं और अपने जीवन को और सुंदर बनाते हैं ये अच्छी चीज समझकर। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप चलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप चलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा एक बार फिर आपके सामने आ गया हूं और आपको एक भजन सुनाने के लिए, इस भजन का आनंद लीजिए। रहना नहीं देश बिराना है, देश बिराना है ये संसार, कागद की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है, देश बिराना है
कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, देश बिराना है। भजन आपने सुना और अब आज का शहर कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और आपसे कल फिर भेंट होगी सुबह सुबह 92.7 बिग एफएम पर इस शहर कार्यक्रम में। तो मुझे आज इजाजत दीजिए, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप चलोटा के साथ 92.7।